ठीक है। तो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। हाँ तो भाई, क्या हाल है? कितनी बंदियां सेट कर रखी है कॉलेज में? सिंगल हूँ, ब्रेकअप हुआ है इसी साथ। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। तो भाई, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ADGITM कॉलेज का रिव्यू। तो आज हम रिव्यू करने वाले वहीं के एक स्टूडेंट से। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट से, वहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी है, प्लेसमेंट्स कैसी है, जो कि आप लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि भाई प्लेसमेंट कितने की लगेगी। तो आज हम उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो भाई, जो भी चैनल पर न्यू है, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो अब आगे वीडियो अपनी स्टार्ट करते। तो भाई, आज हमारे साथ नीरज भाई, जो कि आज अखिलेश दास मतलब ADGITM कॉलेज का पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि भाई नीरज अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। सो बेसिकली मैं ADGITM कॉलेज से हूँ, राइट? एंड राइट नाउ आई एम इन थर्ड ईयर और मैं IT ब्रांच से हूँ। सो यही है। तो भाई, आज हम जैसे आपको बताइए ADGITM के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई कैंपस लाइफ कैसा है वहाँ पर अखिलेश दास का? ओके, सो बेसिकली यार, आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में ये होता है कि यार कॉलेज लाइफ बेस्ट हो, कॉलेज दिखने में बेस्ट हो। तो मैं आपको बता दूँ, हमारा जो कॉलेज है वो उसका आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है। और रही बात बहुतों के माइंड में आता है कि वहाँ का ग्राउंड कैसा है, तो ग्राउंड वगैरह भी मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बड़ा है, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा है जैसे एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो यही सब है, एंड बाकी जब आप आओगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि भाई टीचर्स का क्या सपोर्ट रहता है वहाँ पे? लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास वगैरह लेते हैं, नहीं भी लेते तो अटेंडेंस का क्या सीन रहता है? एंड कुछ जैसे टीचर्स ने कोई काम वगैरह दिया, बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया टाइम पे, तो उस टाइम टीचर्स मतलब क्या सपोर्टिव रहती है एग्जाम्स के टाइम पे? ओके, सो बेसिकली जैसे उन्होंने मुझसे पूछा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करूंगा कि जब आप कॉलेज लाइफ में एंटर करते हो तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि यार हम आएंगे, बंक करेंगे, नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगा आप में से काफ़ी लोगों को। तो यार सबके माइंड में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो कॉलेज लाइफ बनाई इसलिए गई है कि ताकि आप नए नए लोगों से मिलो, अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिलो, अपने इंट्रोवर्ट की मतलब इंट्रोवर्ट अपना निकाल के एक्सट्रोवर्ट बनो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में है कि अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया जो उन्होंने पूछा, तो यार ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। बट हाँ, फर्स्ट सेकंड ईयर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यार ये थोड़ा क्रूशियल टाइम होता है। उसके बाद आपको टीचर भी कुछ नहीं कहते अटेंडेंस के लिए, बट हाँ 75% क्राइटेरिया होता है मैंडेटरी सेकंड ईयर तक। एंड रही बात एग्ज़ाम में डिटेन करने की, बहुत सारे जो लोग पूछते हैं मिड टर्म्स में या एंड टर्म्स में कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 50-60% भी है तो आप आराम से कर लोगे। और रही बात टीचर्स की, काफ़ी सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत होते हैं जो प्रोफेसर खड़ूस होते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी पोलाइट और हम्बल टीचर्स है, बहुत सपोर्ट करेंगे। और रही बात असाइनमेंट्स वगैरह, वो भी अगर आप टाइम पे सबमिट नहीं करते इन केस तो चल जाते हैं, इतना टीचर सपोर्टिव हैं। तो मतलब थोड़ा चिल आउट सीन है, इतना ज़्यादा वैसा वो से नहीं रहता। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल मिल जाते हैं कॉलेज में? तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स हमारा मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। हमारा ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल और इंडोर्स गेम भी है, पूरा एक अलग से नीचे बेसमेंट है। तो वो जब आप विजिट करोगे आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। और रही बात कॉलेज में, बहुत लोगों का माइंड में होता है कि यार स्कूल टाइम पे इतना मतलब खेल नहीं पाते क्योंकि स्कूल वाले अलाउड नहीं करते, इतना टाइम पीरियड भी नहीं होता। तो कॉलेज लाइफ आपको इसीलिए मिलती है कि आपके अंदर जो भी हॉबीज़ वगैरह हैं वो आप वहाँ पर यूज़ करो, मतलब वहाँ पर खेलो। मतलब वहाँ हर सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद 3 दिन का स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, तो ये सब वहाँ फैसिलिटीज़ हैं अच्छी खासी स्पोर्ट्स को लेके। भाई स्पोर्ट्स को लेके बढ़िया यहाँ पे माहौल रहने वाला है आपको। एंड नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कुछ सोसाइटीज़ के बारे में, क्योंकि जब हम कॉलेज में आते हैं ना, हम अगर एक क्लास की बात करें, लाइक भाई IT से है तो IT में तुम्हारे 60 स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर कोई सोसाइटीज़ में क्या रहता है, सोसाइटीज़ में हर क्लास के हर ईयर के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके कॉलेज में ऐसे कौन कौन सी सोसाइटीज़ है? लाइक कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोडिंग के शौकीन होते हैं, कुछ होते हैं जो कल्चरल चीज़ों पर जाना चाहते हैं, जिसको डांस पसंद है, किसी को ड्रामा पसंद है, तो ऐसी सोसाइटीज़ कॉलेजेस में होती है और इसका क्या रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, मतलब उसको एक एक्सपोजर मिलता है, तो ऐसी आपके कॉलेज में कैसा कैसा रोल रहता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे में से काफ़ी लोगों के हॉबीज़ होती हैं जो एक स्कूल टाइम पे यार हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते, उनको बाहर नहीं निकाल पाते। तो कॉलेज लाइफ इसीलिए है ताकि आपके अंदर जितनी भी हॉबीज़ वगैरह हैं वो सब आप वहाँ पे पूरी कर सको। तो हमारे कॉलेज में सारी सोसाइटीज़ हैं, डांस लेके, आर्ट को लेके, बहुत लोगों की पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, म्यूज़िक को लेके, ड्रामा को लेके, ठीक है। एंड रही बात मेन जो IT और CS वाले जानना चाहते हैं, कोडिंग को लेके, तो इवन मैं भी एक खुद कोडिंग सोसाइटी में कोड शेफ ADGITM, ठीक है, आप इंस्टा पे भी
सर्च कर सकते हो। तो मैं उस सोसाइटी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हूँ। तो रही बात, बहुत लोगों के माइंड में होता है कि कोडिंग सोसाइटीज़ कैसी है, कोडिंग कल्चर कैसा है, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। आप आओगे, आपको बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं वो आपको गाइड करेंगे। एज अ सोसाइटी में अगर आप पार्ट हो तो वहाँ पर भी आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट करने का, अलग अलग जो माइंडसेट के लोग होते हैं। तो सब कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपकी जितनी भी हॉबीज़ है, चाहे आपको डांस हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, सब आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा, और वो भी अपने सीनियर से। तो भाई सोसाइटीज़ के बारे में भाई ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक स्टूडेंट अपने कॉलेज लाइफ में देखता है कि भाई 4 साल बाद हमारी प्लेसमेंट कितने की लगेगी और कौन कौन सी कंपनीज आ रही होगी, हमारी ड्रीम कंपनीज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, तो उसके ऊपर भाई कुछ चीज़ें बताओ कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती है एंड कितने कितने का पैकेज ऑफर कर रही है। ओके, सो अब आ जाते हैं यार लास्ट हमारे ये प्लेसमेंट को लेके। तो आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में कि यार एडी जेटिंग की प्लेसमेंट कैसी है, हम इस कॉलेज में एडमिशन ले या ना ले, बहुत सारे लोग इसी डिसीजन की वजह से मतलब अटक जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट 2 ईयर से हमारी जो कैंपस की प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बता दूँ, मैं आईटी में से हूँ, तो अभी 3rd ईयर मतलब हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अब हमारी कंपनीज ऑलमोस्ट आनी शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारा फ्लिपकार्ट की भी आई थी, ठीक है, विप्रो, TCS एंड DXC, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती जा रही है। और रही बात आपके माइंड में आता है कि प्लेसमेंट की पैकेजेस कैसे है, तो अभी लास्ट ईयर हमारे एक सीनियर थे, उनका अमेजन में अभी 44 लाख का पैकेज, ठीक है, सबसे हाईएस्ट अभी तक का। और अभी जो हमारे में एक फ्लिपकार्ट की आई है वो 32 लाख पैक LPA की है। और ऑन एन एवरेज आपके माइंड में बहुत क्वेश्चन होते हैं कि यार एवरेज पैकेज कितना है, तो एवरेज पैकेज 5-6 लाख का है। और आपको ऐसा नहीं है सिर्फ 5-6 लाख की कंपनीज मिलेंगी, आपको 8, 9, 10, 11 ऐसी भी कंपनीज आएंगी। अब वो आपके ऊपर आप क्रैक कर पाते हो कि नहीं, तो ये चीज़ मतलब बेसिकली पूरा स्किल्स पर डिपेंड करता है कि भाई। हाँ, तो भाई ये क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछना आ रहा था, बट बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है भाई प्लेसमेंट प्लेसमेंट, तो मैंने सोचा पहले ही पूछ लेता हूँ। अब आगे बात कर लेते हैं कॉलेज में, लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं, आउट ऑफ दिल्ली होते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब कॉलेज से दूर रहते हैं, तो वो मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं, हॉस्टल्स या PGs? एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ होता है कि जो गर्ल्स जो होती है उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर आउटसाइड दिल्ली के भी है, कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो कॉलेज के आसपास सराउंडिंग कैसी रहेगी। एंड अगर किसी बॉय के पेरेंट्स भी है तो वो भी यही सोचते होते हैं कि हमारा बच्चा कैसी जगह रह रहा होगा, हॉस्टल में कैसा उसका सराउंडिंग होगा, या फ्लैट्स वगैरह जहाँ भी रह रहा होगा, तो कॉलेज के आसपास क्या सराउंडिंग रहने वाली है, एंड फ्लैट PGs क्या वहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, एंड हॉस्टल कॉलेज फैसिलिटी में है या नहीं है, तो इन सबसे बारे बताओ। ओके, सो यार टू बी ऑनेस्ट कॉलेजेस में हॉस्टल्स नहीं है, और रही बात PG की, वो आपको आसपास के एरिया लोकेलिटीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है, बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स भी रहना चाहे तो रह सकती है। बट मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि यार गर्ल्स के लिए वो थोड़ा एरिया अनसेफ है, अगर आप देखा जाओ 4-5 बजे के बाद, क्योंकि यार वो थोड़ा एरिया आप जब आओगे आपको खुद अपने आप समझ आ जाएगा मैं जो कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ। और रही बात वहाँ की, मतलब बहुतों के माइंड में आता है कि ये कॉलेज के आसपास कुछ खाने पीने की जगह या मॉल वगैरह है, तो ऐसा नहीं है, आसपास तो नहीं है, बट हाँ अगर आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के आसपास जाओगे तो उस साइड काफ़ी चीज़ें हैं। तो हाँ लोकेलिटी में कहूँ तो शाम के टाइम पे ज़्यादा खास नहीं है, वो आप जब आओगे आपको समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब फ्लैट्स PGs हमें ईजिली मिल जाता है एंड सेफ रहता है, बट शाम से पहले अगर आप वो करो। और भाई थोड़ा चिल आउट सीन के लिए भी रहता है कि कॉलेज लाइफ में भाई चिल आउट करने के लिए आसपास निकल जाए, तो ऐसा आसपास माहौल मिल जाता है या उसके लिए आपको दूर जाना पड़ता है? नहीं, थोड़ा मतलब 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वहीं तभी मिल पाएगा। तो भाई थोड़ा सा आपको दूर जाना पड़ेगा। एंड अब बात कर लेते थोड़ी इंटर्नशिप्स के बारे में, जब हम क्योंकि बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर में भी, जब मैं अपने सेकंड ईयर में था एंड लास्ट ईयर मेरे से बहुत बच्चों ने पूछा था फर्स्ट ईयर के जो न्यू आए थे कि भैया हमें इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते ही उनको बहुत क्रेज़ होता है कि हम अपनी कॉलेज की फ़ीस खुद अपना अर्न करेंगे एंड सेकेंड ईयर से खुद पे करेंगे, तो कॉलेज का एक रोल प्ले करता है या कॉलेज हमें कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फॉर दैट इंटर्नशिप्स, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद आपके लिए एक मैंडेटरी होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है या कहीं आपको ट्रेनिंग करनी है, तो क्या कॉलेज आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करवाता है, कितनी हेल्प करवाता है? ओके, सो वेल जब आप सेकेंड ईयर आपका पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी कि 4th सेमेस्टर जब आपका पूरा ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये जो समर टाइम होता है, मतलब आपको पूरा लगभग 1.5 महीने की हॉलीडेज़ मिलती हैं, अगस्त का लेके और सितंबर आधा मंथ लेके, तो इसमें आपको कॉलेज समर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है खुद की तरफ से। जो IBM कंपनियाँ आती हैं अलग अलग, अभी तक मतलब मेरे जो लास्ट ईयर आई थी वो IBM कंपनी आई थी, तो वो आपको पूरी समर ट्रेनिंग देती है अलग अलग चीज़ों पर, वो आप जब आओगे समझ आएगा आपको। और रही बात इंटर्नशिप की, तो वो भी कॉलेज 3rd ईयर में प्रोवाइड करता है, ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो, बट वो चॉइस होती है आपकी, आप बाहर से करो कॉलेज से करो 3rd ईयर में। और रही बात समर ट्रेनिंग की, तो वो 2nd ईयर में आपको मिलती है अच्छे से।
भाई इंटर्नशिप वगैरह एंड ट्रेनिंग्स वगैरह आपको कॉलेज के थ्रू आराम से मिल जाती है। एंड एक और चीज़ भाई, कॉलेज में आने के बाद एक बच्चे के अंदर फेस्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि हम कॉलेज में जा रहे हैं तो फेस्ट एंड कल्चरल सारी चीज़ें कैसी है। तो भाई तुम्हारे कॉलेज में ऐसा क्या क्या सीन रहता है फेस्ट वगैरह का? ओके, तो वेल फेस्ट में देखा जाए तो यार कॉलेजेस में हमारा समर टाइम पे, ये आपके अप्रैल के टाइम पे पूरा हमारे मतलब जब पूरा ईयर ख़त्म हो जाता है तो फेस्ट होता है 3 दिन का, ठीक है। और दूसरा मेन जो यूनिवर्सिटी हमारी GGSIUP वो भी करवाती है, उसमें सारे एफिलिएट कॉलेजेस मतलब IP के आते हैं। बट हाँ, हमारे कॉलेजेस में 3 दिन का फेस्ट होता है हर साल, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल मंथ के टाइम पे होता है। ये चीज़ तो फेस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने अभी कवर करी है, एंड इसके बावजूद आप अगर कुछ कहना चाहते हो अपने कॉलेज के बारे में तो प्लीज़ आप शेयर करो। ओके, सो वेल मैं बस यही कहना चाहूँगा यार, आप में से काफ़ी लोग अभी स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में जाने वाले हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा यार, ये 4 साल जो आपको मिलेंगे ना उसको अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। मैं अभी भी ये पॉइंट ला रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है कि आप में से काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट होने के कारण स्कूल कॉलेज लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाते। तो कॉलेज लाइफ बनी ही इसलिए आप अपने आप को अंदर को अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालो, और ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई करो, कोडिंग करो, उसके एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करो, जैसे कि सोसाइटीज़ हो गई, ठीक है। अपने अंदर का पैशन देखो कि किस में आपका इंटरेस्ट है, ताकि एट द एंड आप जब 4 साल बाद निकलो तो लगे कि हाँ हमने कॉलेज लाइफ एंजॉय करी है और कुछ नए फ्रेंड्स बनाए, कुछ नई जर्नी सीखी और कुछ अच्छा करा है, मेमरीज़ बना के जाओ, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ओके, थैंक यू नीरज भाई। एंड हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया था कि आपने मेरे से लाइक मैंने बात कर रहे थे हम, तो उससे पहले हमने एक बात करी थी कि बहुत बच्चे आज की डेट में सिर्फ CSIT के लिए पढ़े होते हैं कि CSIT है तभी BTech करेंगे, तभी हमारी प्लेसमेंट लगेगी, तभी हमें एक ड्रीम कंपनी में मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग कुछ आप कह रहे थे, तो आप प्लीज़ वो एक बार शेयर करो। सो वेल हमारे में से यार काफ़ी लोग ना रैट रेस में भाग रहे हैं, सबको CSIT चाहिए, CSIT। अब सोचो सबको CSIT ही चाहिए तो बाकी ब्रांचेस कौन लेगा? तो वेल आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी आता होगा कि हमें अगर रैंक ज़्यादा है और हमें EEE, मैकेनिकल, सिविल ये सब मिल रही है तो हम ले या ना ले, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा लो ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ CSIT वालों को ही प्लेसमेंट मिलती है। हमारे कॉलेजेस में अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पर जाके ADGITM Delhi पेज सर्च करो, हमारे कॉलेज का पेज है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो आप देखोगे तो वहाँ सिविल, मैकेनिकल, ठीक है, EEE, इवन मेरे एक फ्रेंड है 4th ईयर का, EEC का है, उसकी अभी इंडिगो में 5 लाख का LPA लगा है। तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ CSIT में प्लेसमेंट लगती है, सारे उसमें लगती है। और दूसरी चीज़, एक हमारे हर कॉलेज का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप मान लो आपकी सिविल ब्रांच है, EEE ब्रांच है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छी CGPA ले आते हो, मतलब एक साल अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको अपग्रेड कराने का चांस भी मिलता है। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में होता है ना यार IT नहीं मिली हमें, EC मिल गई तो अब हम 4 साल वही पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप EC लेके एक साल मेहनत करके अगर 9+ CGPA ले आते हो अपने कॉलेज में, तो आप ग्रेड भी करा सकते हो CSIT में। तो बस तो भाई ने आप बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको CSIT नहीं भी मिल रही है तो ऐसा नहीं है आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। भाई EC वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा अच्छा पैकेज आज के डेट में ग्रैब कर रहे हैं, तो ये मत सोचना अपना कि आपकी रैंक कम है तो हमें EC मिल रही है तो हम किसी प्राइवेट में भाग जाते हैं। ना भाई, अगर आपको EC भी मिल रही है किसी भी अच्छे खासे डिसेंट कॉलेज में तो आप EC को प्रेफर करो, आप बाकी आपके स्किल्स और आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो होपफुली आपको ADGITM के बारे में सारी चीज़ें पता लग गई होगी। एंड उसके बावजूद अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो भाई की इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इनसे जाकर डायरेक्टली पूछ लेना, बाकी मैं तो तुम्हारे लिए बैठा ही हूँ। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। एंड अगली कौन से कॉलेज की वीडियो आपको चाहिए मुझे DM में या कमेंट में जरूर बता देना, तो वो आपके लिए ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।